जो ग्रैब 4 के नियम है, जिसकी वजह से गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, डस्ट के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के अंदर अभियान चल रहा है, और सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि भाई और ग्राउंड पर इस नियमों को पालन करने के लिए टीमों को तत्परता से ग्राउंड पे उतारा जाए। नमस्कार, मैं हूं रैनमा और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स। आज हम दिल्ली के सराय काले खां पर मौजूद हैं। यहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मॉनिटर करने आए हैं कि ग्रैब 4 के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। आपको बता दूं, दिल्ली में ग्रैब 4 के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई स्पेशल टीमें भी बनाई हैं, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के कई जगहों पर ग्रैब 4 के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। ग्रैब 4 के नियमों के अनुसार दिल्ली में आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले आवश्यक सेवाएं से जुड़े सभी CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक है। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां, मध्यम और भारी माल वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध है। प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी सभी स्कूल बंद किए गए हैं। राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर और सभी कंस्ट्रक्शन कामों पर अभी रोक लगाया गया है। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति है, उसमें जो हवा की स्पीड है वो पिछले 2-3 दिनों से एकदम से ठहरी हुई थी, और उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद तेजी से बढ़ा। उसको देखते हुए कल हमने दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 के नियम है, जिसकी वजह से गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, डस्ट के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के अंदर अभियान चल रहा है, उसके लिए हमने कल समीक्षा बैठक की थी, और सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि भाई और ग्राउंड पर इस नियमों को पालन करने के लिए टीमों को तत्परता से ग्राउंड पे उतारा जाए। कल हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया। आज हम यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के लिए आए कि जो नियम है वो कितने पालन हो रहे हैं। अभी सराय काले खान में अभी लगभग 200 इंटर स्टेट जो है वो बसें यहाँ पर आई हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर बसें जो है वो नॉर्म को फॉलो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमें पता चला है कि कई राज्यों से प्राइवेट जो बसें यहाँ पर आ रही हैं, जो बस अड्डे के अंदर तो नहीं आ रही हैं लेकिन अगल बगल में जो है वहाँ उनकी अवैध पार्किंग हो रही है, जिसमें से अभी मध्य प्रदेश का एक बस जो है वो पकड़ी गई है, जिनके सोनू तोमर नाम के ड्राइवर की गाड़ी पकड़ी गई है जो BS4 की है। तो अभी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया है कि दिल्ली के अंदर जितने बस अड्डे हैं, उन बस अड्डों के आस पास जहाँ भी प्राइवेट इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनका स्पेशल ड्राइव चला करके चेकिंग किया जाए, और जो भी इस तरह की गाड़ियां हैं उन सबको जब्त किया जाए, जिससे कि जो BS6 का नॉर्म है उसको जो है पालन किया जा सके। क्योंकि अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आज के बाद थोड़ी हवा की गति दिल्ली के अंदर और उत्तर भारत में थोड़ी सी गति बढ़ेगी, और जिस तरह से आज थोड़ी धूप निकली है तो उससे टेम्परेचर भी थोड़ा सा जो है वो जो काफ़ी डाउन हो गया था उसमें थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल से प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन अभी भी किसी तरह की ढील बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, जिससे कि इस प्रदूषण के सोर्स पे हम लगातार नियंत्रण जो है बनाए रख सकें। आपको बता दें, पर्यावरण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के 16,689 चालान काटे गए हैं। वहीं नियम तोड़ने वाले कंस्ट्रक्शन साइट्स पर करीब 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। 14 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के हैं, या तो वेरी पुअर में है या सीवियर कैटेगरी में। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी बनी हुई है। तो पूरे उत्तर भारत की एक ही स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलाने की जरूरत है, जिसमें एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाए। ग्रैब 4 का ऑलरेडी CAQM का जो आदेश है वो लागू हम कर रहे हैं, और क्या किया जा सकता है।
क्योंकि दिल्ली में हम सेपरेट कंट्रोल करेंगे तो उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चारों तरफ एक साथ जब समस्या चारों राज्यों की एक तरह की है तो समाधान मुझे लगता है कि सामूहिक इस समय करने की जरूरत है। और ये वक्त ऐसा है कि जो जो कुछ कर सकता है, दिल्ली सरकार जो कर सकती है कर रही है, जो LG साहब कर सकते हैं वो करें, केंद्र सरकार जो कर सकती है वो करें, यूपी की सरकार जो कर सकती है वो करें, हरियाणा की सरकार जो कर सकती है वो करें, पंजाब की सरकार जो कर सकती है, अभी करने का वक्त है। बाकी हिसाब किताब तो प्रदूषण कम हो जाएगा तब भी कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहाँ पे मॉनिटर किया है कि GRAP4 के नियम सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। इसी में उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, क्योंकि GRAP4 के नियमों के अनुसार यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से दूसरे शहरों का दिल्ली में आना प्रतिबंध है, लेकिन कई बसें ऐसी हैं जो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में आ रही हैं और पार्किंग में खड़ी हो रही हैं। इसको लेकर गोपाल राय ने यहाँ अधिकारियों को फटकार लगाई है और उनसे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। मैं रहनमा कैमरामैन विनोद के साथ, नवोदय टाइम्स दिल्ली।